हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड गाइड पीकेजी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना पूरी तरह से मुफ्त यानी 100% फ्री है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड यानी गेंदा एक ऐसा फूल है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन यानी डे बाय डे के लाइफ में सबसे ज़्यादा करते हैं। विवाह शादी हो या कोई उत्सव, किसी फैक्ट्री का उद्घाटन हो या मकान का, किसी भी प्रकार की सजावट हो या पूजा पाठ, सब में गेंदे के फूल की ज़रूरत पड़ती है। घर के आंगन में लगाने के लिए भी गेंदे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि एक बार खिलने के बाद गेंदे का फूल 6-7 दिनों तक खिला रहता है। सामान्यतः मैरीगोल्ड 5 रंगों यानी ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, येलो, लाइट येलो तथा मिक्स कलर्स का होता है, लेकिन आजकल हाइब्रिड क्वालिटी में ब्लू, वाइट तथा और भी कई रंगों के गेंदे के प्लांट्स मिलने लगे हैं। यूँ तो मैरीगोल्ड को बीज से भी अगस्त सितंबर में उगाया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण आप अगस्त सितंबर में इसके बीज नहीं उगा सके तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स के यहाँ से अपने मनपसंद गेंदे के प्लांट से कटिंग लाकर इस वीडियो में बताई गई टेक्निक अपनाकर आसानी से 10-15 दिन के अंदर ही फ्री में नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं तथा उन कटिंग्स पर एक महीने में ही सुंदर सुंदर फूल खिलने लगेंगे। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हमने आपकी वीडियो देखकर कटिंग लगाई लेकिन हमारी कटिंग ख़राब हो गई। इसका कारण यह है कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं जिससे कुछ न कुछ ज़रूरी बातें आपसे छूट जाती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देख कर उसमें बताए अनुसार कटिंग लगाओगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं आपसे ट्राई एंड टेस्टेड टेक्निक ही शेयर करता हूं। अगर एक बार वीडियो देखने पर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करें। फ्रेंड्स, कटिंग लेने के लिए आप कोई भी क्लीन एंड शार्प कटिंग टूल जैसे कैंची या ब्लेड आदि का प्रयोग करें। सबसे पहले गेंदे के प्लांट में एक ऐसी ब्रांच का चुनाव करेंगे जिस पर अभी बड्स यानी कली नहीं बन रही हो। ब्रांच के ऊपरी टिप से लगभग 4-5 इंच लंबी कटिंग लेंगे। कटिंग काटने के बाद इन्हें इस प्रकार पानी में रखेंगे। दरअसल गेंदे का प्लांट बहुत ही सॉफ्ट होता है, इससे इसकी ब्रांच बहुत जल्दी मुरझा जाती है। इसलिए कटिंग को पानी में रखेंगे जिससे वह 4-5 घंटे तक भी फ्रेश ही रहेगी और आप अपनी सुविधा अनुसार उसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग के नीचे वाले भाग से पत्तियों को कैंची से इस प्रकार कट करके हटा देंगे। एक्स्ट्रा पत्तियों को हाथ से खींचकर नहीं तोड़ेंगे क्योंकि खींचकर पत्तियां तोड़ने से कटिंग खराब हो जाती है। फ्रेंड्स, अपने पर्यावरण के बारे में सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सभी को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी अनिवार्य सोचना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है अपने वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करना। कटिंग लगाने के लिए मैं इन दही के कप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाटर ड्रेनेज के लिए इनमें मैंने कई छोटे छोटे छेद बना लिए हैं। कटिंग ग्रो करने के लिए ग्रोइंग मीडिया के रूप में हम सिर्फ रिवर सैंड यानी नदी के रेत का इस्तेमाल करेंगे। कप्स को नदी के रेत से भरकर इनमें पानी डाल देंगे।
तथा फिर किसी नुकीली वस्तु से इस प्रकार 1.5-2 इंच के होल बना लेंगे। तथा इस प्रकार कटिंग को लगा देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि जब भी कटिंग लगाएं तो हमेशा एक से ज़्यादा कटिंग लगाएं, क्योंकि नॉर्मली कटिंग का रिजल्ट 100% नहीं मिलता। कटिंग लगाने के बाद हाथ की उंगली से दबाकर रेत को सेट कर देंगे और फिर इसमें पानी दे देंगे। मैरी गोल्ड की कटिंग ग्रो करने के लिए किसी भी प्रकार के रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार हमारी कटिंग लगकर तैयार है। अब हम इन्हें 3-4 दिन के लिए सेमी शेड में रखेंगे तथा उसके बाद फुल सन यानी धूप में रखेंगे। बेहतर रिजल्ट के लिए प्रतिदिन कटिंग्स पर पानी का हल्का छिड़काव करते रहें, जिससे ज़रूरी नमी बनी रहे। इस प्रकार आप देखेंगे कि 10-15 दिन के अंदर ही इनमें रूट्स आ जाएगी, जिसके बाद आप इन्हें किसी बड़े गमले, ग्रो बैग या ज़मीन में लगाकर सुंदर सुंदर फूल प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आज से लगभग 10-11 दिन पहले 26 नवंबर को मैंने ये कटिंग लगाई थी। कप्स के नीचे से निकल रही रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इससे पता चलता है कि ये कटिंग रीप्लांट करने के लिए तैयार हैं। एक खास बात यह है कि कटिंग को कभी भी खींच कर नहीं निकालें। खींच कर निकालने से रूट्स टूट जाती हैं। कटिंग निकालने के लिए कप को इस प्रकार चारों तरफ से दबाएंगे, जिससे ग्रोइंग मीडिया ढीला हो जाएगा और फिर इस प्रकार बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि सभी कटिंग्स में काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स आ गई हैं। बड़े बड़े सुंदर फूल पाने के लिए हम इन्हें किसी भी ग्रो बैग या ज़मीन में लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार मैरीगोल्ड की कटिंग लगा सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करें, जिससे वे भी फ्री में अपने मनपसंद गेंदे के प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकें। हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पर नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।